गुरु जी, इस बार मकर संक्रांति कब है? इस बार मकर संक्रांति जो 15 जनवरी को पड़ेगा, और वो 15 जनवरी को सौम्यायन संक्रांति, जिसका पुण्यकाल का विचार जो है 8:42 के बाद सायं 3:06 तक ये पुण्यकाल रहेगा। इसमें माघ का जो स्नान का आरंभ होता है वो होगा। प्रयागराज में जो है कल्पवास का विधान है, कल्पवास आरंभ होता है और सौम्यायन आरंभ है, अर्थात उत्तरायण जो है सूर्य होते हैं। मकर राशि में जब ये सूर्य प्रवेश करते हैं उत्तरायण सूर्य हो जाते हैं, तो वही सौम्यायन उसी दिन प्रारंभ होगा और शुद्धारंभ है, शुद्ध का आरंभ होगा, अर्थात विवाह इत्यादि कार्य का संपादन, जितने भी संस्कार होते हैं उनका संपादन किया जाएगा। इस बार 15 तारीख को इसलिए पड़ रहा है कि 14 तारीख को मशांत है, अर्थात सूर्य का जो है धनु राशि में 29:37 तक भोग है, इसीलिए मशांत जो है उसी दिन पड़ेगा। प्रातः काल में 15 तारीख को मकर रवि होते हैं, इसीलिए ये जो है संक्रांति इस बार 15 जनवरी को ही पड़ेगा। इसमें लोगों को किस विधि से पूजा करनी चाहिए इस दिन? इसमें संक्रांति में जो है सो दीक्षा ग्रहण का भी विशेष महत्व है, गुरु शिष्य की परंपरा है, और इसको तिल संक्रांति भी कहा जाता है, अर्थात तिल का बना हुआ जो है नैवेद्य भगवान को अर्पण किया जाता है, देवता को, और अपने बुजुर्ग लोग जो हैं अपने से छोटे को तिल जो है सो प्रदान करते हैं, भक्षण के लिए देते हैं। उससे क्या होता है, अर्थात कहने की भाव ये परंपरा मिथिलांचल में खास कर है, जो तुमको मैं तिल प्रदान कर रहा हूँ तुम मेरा कार्य का संपादन करेगा, अर्थात हमारे जाने के बाद तुम हमारा जो भी भारतीय संस्कृति सभ्यता है उसके अनुरूप चलेगा।